क्या हुआ सुंबल, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, थकन हो गई थी इसलिए लेट गई थी आकर। तो किसने कहा है इतने काम करो? हर वक्त तुम किचन में होती हो, मुलाजमा थोड़ी हो इस घर की। वैसे इस घर के मुलाजिम बड़े लकी हैं, घर के अफराद से ज्यादा अहमियत देते हैं आप लोगों ने। क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो? अरे बात तो करो मुझसे। देखो आसमा, पीछे ने जो तुमसे बात करी है, प्लीज प्लीज उस पर गौर करो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम जिंदगी भर इस घर में सुकून से रह सकती हो। लेकिन मेरा बच्चा, वक्त आने पर पीछे को सब बात सच सच बता देंगे। तुम्हारा बच्चा तुमसे कोई नहीं छीनेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मत डरो तुम, मत घबराओ मुझसे। लेकिन इस झूठ का क्या होगा जो आपने बीजी से कहा है? कितने ख्वाब से जाके बैठी है, वो तो सिर्फ उसके इंतजार में है। कितनी ज्यादा खुश है, ये उनकी वक्ती खुशी है। जब वक्त आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल प्लीज तुम हमारे साथ यहीं पे रहो। अगर कल को बीजी ने गुस्से में आके मुझे घर से निकाल भी दिया, समीर ने दूसरी शादी कर ली, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, लेकिन मैं इस तरह से एक माँ को दरबदर नहीं होने दूंगी। प्लीज असमा, मेरा यकीन कर, यहाँ पे तुम और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सेफ रहेंगे।